यूजुअली देखा जाता है कि ऐसे केसेस में लड़के की नौकरी भी चली जाती है और आपका लड़के को कई इकोनॉमिकली और मेंटली दोनों टॉर्चर होना पड़ता है। मान लीजिए आपको सेक्शन 69 का केस हो जाता है तो आप उसके बाद उसमें आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं, यानी कि दोषी नहीं पाए जाते हैं, एक्विटल हो जाते हैं। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो उसके बाद आप लड़की के ऊपर 217 BNS के तहत आप उसके ऊपर सजा भी करवा सकते हैं, 1 साल तक का सजा भी हो सकती है उसे, या उसके ऊपर 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, दोनों चीजें भी साथ में हो सकती है, क्योंकि आपको इसमें इकोनॉमिकली और मेंटली दोनों टॉर्चर हुआ। तो इसमें आप इसके ऊपर आप डेफिमेशन का भी केस लड़की के ऊपर फाइल कर सकते हैं कि आपको ऐसे से उसने झूठे केस में फंसाया। तो देखिए इन केसेस से बचा जा सकता है, पर कुछ प्रिकॉशंस आप ले तो आप इस केस में आराम से बच सकते हैं। और अब मान लीजिए अगर आपके ऊपर FIR हो चुकी है तब आप क्या करें, तो अगर आपके ऊपर FIR हो चुकी है तो 528 BNSS के तहत आप हाई कोर्ट में जाके उस FIR को क्वेश भी करवा सकते हैं। अब जैसे ये 69 का जो अपराध है, इसमें आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कोई भी रिलेशनशिप में आने से पहले आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। जैसे कि अगर आप मान लीजिए अगर किसी लड़की के साथ आप लिव इन रिलेशनशिप में आते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि आप उस लड़की के साथ अगर लिव इन में आ रहे हैं तो आप एक नोटरी पे या रजिस्टर्ड एक एग्रीमेंट बनवाए, और हो सके तो उसमें जो विटनेस लगाए इंडिपेंडेंट विटनेस हो। इंडिपेंडेंट विटनेस होंगे तो आपको प्रूफ करने में आसानी होगी, क्योंकि एक बार MP में मैंने इसी बात पे बेल ली थी कि उसमें उनके पास एक एग्रीमेंट था, उसमें उन्होंने नोटरी के लेवल रिलेशनशिप का बना रखा था, तो उन्हें बेल आराम से मिल गई थी। दूसरी चीज इसमें आपका ये है कि आपको ऐसे एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं जिसमें आपने लड़की के कंसेंट के साथ उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए हो, और ऐसे एविडेंस बनाए हो कि जहां पर आपने उसके साथ शादी का कहीं पर भी प्रॉमिस ना करो। तो आपको ऐसे एविडेंसेस को कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। और अगर लड़की आपको अगर धमकी दे रही है कि मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी और मैं ऐसे ऐसे तेरे पास केस लगाऊंगी, तो आप कोशिश करिए कि सबसे पहले आप उसकी कंप्लेंट करें, क्योंकि अगर आप पहले कंप्लेंट करेंगे तो थोड़ा सा आपका अपर हैंड होगा। और अगर आपको वो पुलिस में अप्रोच कर चुकी है, मान लीजिए आपको पुलिस में चली गई और पुलिस वाला आपको फोन करता है कि नहीं आपके खिलाफ ऐसे ऐसे केस बन रहा है, तो आप एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हैं और आपको एविडेंसेस कलेक्ट करके आप सेशन कोर्ट से बेल ले सकते हैं। अब इसमें देखा जाए तो ये बहुत गंभीर अपराध बना दिया गया है, तो इसमें सजा का प्रावधान जो दिया गया है वो 10 साल तक की सजा दी गई है, यानी कि कम से कम नहीं तो 10 साल तक की तो सजा होगी उसे, यानी कि मिनिमम नहीं है पर 10 साल में। अब जज के ऊपर है, वो 1 साल सुना है, 2 साल सुना है, 3 साल सुना है, और इसमें फाइन का भी प्रोविजन है कि फाइन तो लगेगा ही लगेगा।